दूसरी पावर स्टार देवी गीता आ रहा है। जी हाँ, जो पवन सिंह के फैन है वो दिल थाम कर बैठ जाए, क्योंकि लगातार पवन सिंह धमाके पे धमाका कर रहे हैं। सोना सिंह के साथ आ रहा है ये गीत, और आपको बता दें इसके म्यूजिक डायरेक्टर है छोटे बाबा। लेकिन इससे भी पहले पवन सिंह का चुनरी में सुनरी सातवां देवी गीत रिलीज़ होने वाला है। ये जिसकी बात हम कर रहे हैं वो आठवां देवी गीत होगा, और पवन सिंह मानिए यकीन कि आजकल एकदम मूड में है कि जो कसर उन्होंने सावन में पूरी नहीं की वो कसर वो नवरात्र में पूरी करेंगे। लोगों ने सोचा था सावन में कि पवन सिंह के हो सकता है 8-10 गाने आएंगे, 12 गाने आएंगे, लेकिन सावन में मात्र पवन सिंह के 4 गाने आए। लेकिन अब नवरात्रि के लगता है पवन सिंह सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी तक खेसारी लाल यादव के 2 ही गाने आए हैं, पवन सिंह के आएंगे अभी तक 8 गाने। जी हाँ, 6 रिलीज़ हो चुके हैं, 2 बाकी हैं, और 8वां गाना भी पवन सिंह का सोना सिंह के साथ आ रहा है। सोना सिंह के साथ इससे जो पहले रिलीज़ गाना था वो 3 मिलियन उसके व्यूज़ पहुंच चुके हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो गाना। साथ ही आपको बता दें कि पवन सिंह अपने कई फिल्मों की भी शूटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, चांदनी उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म है जो लॉकडाउन में शुरू हुई और लॉकडाउन में ही वो ख़त्म भी हो गई, यानी कि उसकी शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। जो उन्होंने लॉकडाउन से पहले लखनऊ में उसकी शूटिंग कर रहे थे, कैसन हो जाला प्यार की शूटिंग, वो भी अमूमन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और उनकी तीसरी फिल्म जो एक पारिवारिक फिल्म होगी वो फिल्म भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि पवन सिंह इतने धमाके क्यों कर रहे हैं, तो भाई हम बता दें पवन सिंह अब अपने फैंस को एंटरटेनमेंट का पूरा डोज देना चाहते हैं, इसलिए पवन सिंह धमाके पे धमाका कर रहे हैं। फिर से सोना सिंह के साथ उनका गाना आ रहा है नवरात्रि का। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।